ये पूरा नीचे पानी है, टकरा गया। यहाँ पे बहुत ही एक अलग लेवल का पीस है, सिर्फ आपको जंगल में जो छोटे जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनका ही नॉइज सुनाई देगा। क्या व्यू है, ऑसम। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज क्लाइमेट सुबह का बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही सही वेदर लग रहा है। तो चलो नीचे चलते और देखते हैं आज क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। लेट्स गो। ओके, जो आज सुबह सुबह रिवर का जो फोर्स है बहुत ही ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे ये चेयर देख के गोवा जैसे वाइब्स आ रहे है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे इनकी बदमाशियां चल रही है। आपने अगर मेरे राजस्थान वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा ये वाले ग्लेयर्स मैंने उस वीडियोस में पहने थे, उसके बाद ये गायब से हो गए थे और आज मुझे मिले हैं। सो आज के वीडियोस में इनको अपन यूज करेंगे। आज सुबह के क्या क्या एक्टिविटीज है, अभी सुबह के स्विमिंग, साइकिलिंग, उसके बाद राफ्टिंग तो अभी क्लोज है, उसके बाद बोटिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये कितने किलोमीटर का ट्रैक है अभी अपन जो जा रहे हो? वो अभी जो एक 5 किलोमीटर का और एक 2 किलोमीटर का। अभी हम सर ने बोला है कि 2 किलोमीटर का चलेंगे, 2 किलोमीटर तक जाएंगे। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। सो मेरे साथ रिसोर्ट के गाइड भी है और बाकी पूरा टीम है। सो लेट्स सी कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो पानी का फोर्स देखो, आज सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा फोर्स है। ओके, तो अभी अपने को ये वाला जो ब्रिज है छोटा सा, ये क्रॉस करना होगा, ऐसे कुछ संभाल के जाना है। राइट, हो गया। ट्रैकिंग भी है और पता नहीं जंगल का क्या क्या नज़ारा देखने को मिलेगा आज अपने को। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत सारे मंकीज तो है ही है स्वागत के लिए। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है कि बहुत सारे बर्ड्स भी है जो सुबह सुबह दिखाई देते हैं। लेट्स सी क्या क्या दिखते हैं अपने को। मेरे जो शूज़ है थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, ये देखो, तो इनको अपन थोड़ा ठीक से पहनेंगे और फिर ट्रैकिंग करेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम इंसान कुछ अजीब सी है। हम इंसान जो है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर बांधने के लिए जंगल्स कम करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद पीस के सर्च में इन्हीं जंगलों में आके पना लेते हैं और नेचर कितना ग्रेट है देखो, हमको इतनी गलतियां करने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात आपको चाहे थोड़ी अजीब सी लगेगी बट यही हकीकत है, नेचर इज ऑलवेज ग्रेट। हाँ, ये कौन सा रिवर कहते हैं इसको? काली रिवर। काली, काली रिवर। ये कहाँ से शुरू होती है? ये डिग्गी से। हाँ, डिग्गी, डिग्गी से। ओके, और पानी कहाँ जाके मिलता है पूरा? कारवार बीच। कारवार बीच में। ओके, सो ये पानी पूरा कारवार बीच में जाके मिलता है। आगे मुझे एक अच्छा सा रिवर व्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता थोड़ा कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे इसके ऊपर चलना होगा आगे, और ये रहा वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं, यहाँ पे देखो आप चारों ओर पानी है और ये बेसमेंट बनाया हुआ जिसके ऊपर अपन रुक सकते हैं और कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स भी है। अभी हल्की सी धूप निकली है और मुझे लगी है भूख, सो हम जाएंगे और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है या नहीं। अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आगे क्या होता है देखेंगे। कल रात से रोप साइकिलिंग करने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन कल वो एक्टिविटी बंद थी,
सो देखते हैं आज मैं फिर से रिसेप्शन काउंटर में पूछता हूँ। सो अगर एलो किए तो रोप साइकिलिंग भी अपन ट्राई करेंगे और देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो मैं आ गया हूँ फिर से उसी जगह पे जहाँ पे कल बैठ के हम लोगों ने थोड़ी बातें की थी। मैं सोच रहा हूँ लाइफ में अगर टाइम स्पेंड करने के लिए हर दिन अगर ऐसी जगह मिल जाए तो बहुत ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा बटर ले लेंगे। ब्रेड बेक कर रहे हो? टोस्ट। थैंक यू। यहाँ पे डोसा बन रहा है लेकिन कुछ देर बाद ट्राई करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा बहुत ही लाइट होता है लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना वो देख के थोड़ा टेम्प हो गया हूँ। तो देखते हैं क्या क्या ट्राई करते हैं। अभी डोसा बन रहा है, फिलहाल तो मैं खा रहा हूँ ब्रेड और बटर। थैंक यू। बढ़िया है, टिपिकल साउथ इंडियन टेस्ट आ रहा है। जो कुछ भी खाया अब तक उनमें से सबसे बेस्ट मुझे डोसा लगा। बहुत ही बढ़िया। ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी हम लोग आए हैं बोटिंग के लिए और देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कितना बढ़िया होता है। ये जो है वाटर राफ्टिंग के लिए है और ये जो सामने बोट है इसको हम राइड करने वाले हैं। बहुत सालों बाद मैं बोटिंग करने वाला हूँ, सो लेट्स सी आज का एक्सपीरियंस कितना मज़ेदार होता है। सो ये बोटिंग में जाने से पहले ये सभी लाइफगार्ड जैकेट्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट आप सेफ रहे। ऑल सेट। अरे सर पूरा मतलब बोटिंग कर चुके गोवा से। यहाँ पे मोटर बोट अलाउड नहीं है क्योंकि जो पानी का डेप्थ तो कम है और नीचे रॉक्स वगैरह है, इसलिए हम लोग ये पैडल वाला बोट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं कितना डिस्टेंस हम जा सकते हैं और फिर छोटा सा एडवेंचर करके वापस आ जाएंगे। आगे पत्थर है, यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है, छोटे छोटे बीच में पत्थर है। यहाँ पे कुछ इस टाइप के टकरा गया। कमॉन, यहाँ का पानी इतना क्लियर है कि नीचे के पूरे रॉक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने बोट स्लो कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसे वाइब्स आ रहे हैं जैसे अमेजोन रिवर आपने मूवी में देखा होगा। पूरा वाटर का जो फ्लो एकदम स्लो है और पूरी ग्रीनरी है सराउंडिंग में कुछ इस तरह। और यहाँ से मतलब पानी पूरा ग्रीनिश शेड दिखाई दे रहा है, अंदर क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही ऑसम है। इधर फ्लो कम है इसके लिए आराम से बोट जा रहा है। और रात को भी आवाज करता है ना बहुत। और यही है गुसलिंग। अच्छा यहाँ पे बहुत ही एक अलग लेवल का पीस है, सिर्फ आपको जंगल में जो छोटे जो एनिमल्स है बर्ड्स है उनका ही नॉइस सुनाई देगा। एक सेकंड में चुप हो जाता हूँ सो दैट आप फील कर सके। ये आगे कहाँ जाता है फिर? यहाँ से ऐसा आगे से ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है। okay. यहाँ से नीचे और तीन डैम है। ओके okay. अंबिका नगर डैम है, बोमनोल डैम है और कजरा डैम, और तीन डैम। तो ये पानी वो डैम में तब उधर से आगे जाता है, उधर से आगे जाता है। पावर जनरेशन होती है तीनों डैम में से, पावर जनरेशन होती सीधा पावर। दो साल वेट किया था तो उसमें एक फोटो ऐसा लिया उसने कि ब्लैक पैंथर और लेपर्ड, लेपर्ड आगे ब्लैक पैंथर पीछे, ऐसा फोटो लिया पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हो गया। किसने लिया था? शाहजूद। शाहजूद ने फोटोग्राफर है। ओके ओके। ये
पास फोटो है वो दिखाया अभी का ब्लैक पैंथर और लेपर्ड का दोनों का साथ नहीं था यहीं पे लिया। उसका टारगेट क्या था कि मेरे को सिर्फ ब्लैक पैंथर के फोटोज लेने, लेकिन उसको फिर मैसेज मिला कि लेपर्ड और ब्लैक पैंथर दोनों ना हंटिंग होता है उनका, दोनों का मीटिंग होता है, तो उसने टारगेट रखा कि मेरे को दोनों साथ में का फोटो लेने। अभी हमको हमारे गाइड से पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी है, 45 प्लस कुछ एलिफेंट्स भी है, ब्लैक पैंथर और लेपर्ड जैसे बहुत सारे एनिमल्स घूमते रहते हैं, और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स यहाँ पे साल में एक दो बार आते हैं और कई महीनों रुक के यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, और वो फोटोग्राफ्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। डांडेली रिसोर्ट के रिलेटेड आप फोटोज अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम जंगल के डीप नहीं जा रहे, सिर्फ बोटिंग करके निकलने वाले हैं, बट यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा। सो लंबे इंतजार के बाद फाइनली वो वक्त आ गया है रोप साइकिलिंग करने का। उनके पास गोप्रो तो नहीं था, लेकिन मेरे पास गोप्रो था, तो मैंने बोला आप हेलमेट का बंदोबस्त कर लो कि मुझे रोप साइकिलिंग करते हुए गोप्रो से वीडियो लेना था। चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। माय गॉड, खतरनाक एक्सपीरियंस है, नीचे पूरा पानी है, बस रुकना नहीं है मुझे क्योंकि बैलेंस करते हुए जाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह है और ये पूरा नीचे पानी है, टोटल पानी है। तो आई एम ऑलमोस्ट रीच, राइड अच्छा रहा, शॉर्ट था बट बढ़िया था, वापस जा सकते हैं यहाँ से। हाँ, इसको एक और राइड बाकी है, यहाँ से फिर से रिवर्स अपने को वहाँ पे जाना है, सो फिर से मज़ा आएगा, चढ़ जाओ। यस, थैंक यू। सो ये है रिटर्न राइड, वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ, और अभी फिर मुझे जाना है वहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ जाओ तो ये राइड मिस मत करना। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है पानी का, कसम से मजेदार राइड है। राइड में सबसे बेस्ट राइड मुझे ये लगा, रोप साइकिलिंग, बहुत ही मज़ेदार था, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। और मुझे लगा यहाँ से सिर्फ वहाँ तक ही राइड रहेगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद बताया कि रिवर्स मुझे जाना होगा, सो मज़ा आया। अभी जा रहे सुरेश जी, सो लेट्स सी इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और यहाँ पे बच्चे स्विमिंग करते हुए, मजा आ रहा है। हाँ, वो स्विमिंग किसको आता है, स्विमिंग किस किस को आता है, करके दिखाओ। वाओ, किसको आता है, करो स्विमिंग करके दिखाओ। सो गाइस, आज का टूर खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कई सालों से मेरा जो सपना था नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का, आज पूरा हो गया। मैं चाहता हूँ कुछ दिन और रुक जाऊं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू वर्क। अगर आप दांडेली आना चाहें तो बहुत सारे यहाँ पे रिसॉर्ट है, मैंने जो रिसॉर्ट बुक किया उस रिसॉर्ट का नाम विजलिंग वुड्स है, आप इनका वेबसाइट भी अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा रिसॉर्ट बुक करना है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो लाइफ में कभी ना भूलने वाले मूवमेंट्स क्रिएट करोगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। दैट्स इट, मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन टेक केयर।